प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज मैं UGC नेट का जो पेपर हुआ था 26/6/2019 को, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक जो विजुअल आर्ट के क्वेश्चन थे, उनके जो NTA द्वारा सही आंसर माने गए हैं, उसको लेकर एक वीडियो बना रहा हूं, जिसको आप देखकर अपने क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, आगामी परीक्षाओं में उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है विख्यात चित्रकार कृष्ण रेड्डी के, छापा कला का शीर्षक है। तो इसमें इनके 3 चित्र थे, उसका ऑप्शन नंबर 2 मतलब ए सी और बी डी, मतलब छपाक, रिफ्लेक्शन, अप्पू, ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है कैलीग्राफी किससे संबंधित दृश्य कला है। तो आपको मालूम होगा कि राइटिंग से संबंधित दृश्य कला है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर निम्नलिखित कला आंदोलनों के काल के अनुसार सही क्रम चुनिए। इसमें कला आंदोलन के नाम दिए हुए हैं जिनके कला उकरना है। तो इसमें जो था अतिथार्थवाद पहला नंबर, अमूर्त अभिव्यक्तिवाद, पापकला और दादावाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, पहले बी आएगा मतलब अमूर्त अभिव्यंजन अभिव्यक्तिवाद, उसके बाद डी आएगा दादा कला, जिसका 1916 में हुआ था, उसके बाद ए आएगा अतियथार्थवाद जो 1924 में था, उसके बाद लास्ट सीन आएगा सी अमूर्त अभिव्यक्तिवाद जो 1905 से 6 था। अगला क्वेश्चन है मैगजीन और प्रिंट डिजाइनरों को निम्नलिखित क्षेत्रों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो किसकी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 ए मतलब टाइपोग्राफी, बी मतलब 3D एनिमेशन, सी मतलब प्री प्रेस, इन तीनों का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है, ए बी और सी। अगला क्वेश्चन है मूर्ति निर्माण का सही क्रम चुनिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, पहले ड्राइंग बनाई जाएगी, उसके बाद क्ले मॉडलिंग, फिर मोल्ड मेकिंग और लास्ट में कास्टिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, माइकल एंजेलो की पेटा की ऊंचाई कितनी थी, 68.1/2। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। इससे अगला क्वेश्चन है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का चित्र संबंधित है, तो कहाँ से है, अजंता से, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला चित्र है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1/3 मतलब प्रिंट आउट का जो है कैलिब्रेशन होगा, बी का 1 RGB का मतलब वेव डिजाइन, और सी का 2 मतलब पॉइंट ऑफ परचेज का मतलब है इम्पल्स, और डिस्प्ले का विजुअल मार्केंडाइजिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ये है अल्बर्ट ड्यूरर किस देश के थे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ये जर्मनी के थे। अगला क्वेश्चन है छपाक किसका था, तो अभी हम पीछे एक क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, छपाक कृष्णा रेड्डी का बिस्को सिटी प्रसिद्ध प्रिंट है, जो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही क्रम चुनिए, यहाँ पे 4 कला शैलियों का नाम दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, पहले क्या आएगा सी बाइजेंटाइन कला, उसके बाद आएगा बी गोथिक कला, उसके बाद ए मैनरिज्म कला, और लास्ट को आएगा बारोक कला। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार थे, तो नंदलाल बोस से। अब यहाँ पर नंदलाल बोस की बात आई है, तो आपके माइंड में इनके जन्मतिथि आ जाती है, 1882 में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने हरिपुरा कांग्रेस के जो मंडल था, कांग्रेस का मंडप था, उसको चित्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 13, अगला क्वेश्चन है
एसेटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एसेटिक अम्ल का क्यों प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर की सफाई के लिए। मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों का सही क्रम चुनिए। तो पहले क्या आएगा? बी ज्योति भट्ट, फिर उसके बाद कृष्णा आहूजा, उसके बाद अनुपम सूद, उसके बाद कंचन चंद्रा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, धातु कास्टिंग का सही क्रम बताइए। तो पहले ड्राइंग बनाई जाएगी, फिर मेकिंग इन बैग्स, मोल्डिंग, फायरिंग, कास्टिंग। मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, वुड कट मुद्रण सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, इनग्रेविंग। मतलब हाँ सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। पहले क्या आएगा? सी आएगा इनग्रेविंग, उसके बाद बी आएगा इंकिंग, फिर ए आएगा प्रेसिंग, और लास्ट में फ्रेमिंग आएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब जो नवंबर 2006 में गूगल की सहायक के रूप में काम कर रही है, का मुख्यालय है? तो ऑप्शन नंबर 4 सैन ब्रूनो, कैलिफोर्निया, यूएसए। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफा में कितनी चित्रशैलियाँ हैं? अजंता की गुफा में कितनी चित्रशैलियाँ हैं? तो यहाँ पर टोटल 3 चित्रशैलियाँ हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, कालीघाट चित्र संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वेबसाइटों के निर्माण और अनुरक्षण से जुड़े अनेक विभिन्न कौशल व वेब डिजाइन में शामिल है, तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर 4 सही है, मतलब ए ग्राफिक डिजाइन, उसके बाद आएगा बी इंटरफेस डिजाइन, उसके बाद सी आएगा ऑथरिंग कोड और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, सूची ए को बी से मिलाइए। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए का 4th, इंट्यूशन का होगा अरस्तु, बी का 3rd, इन कैथारसिस का होगा अरस्तु, इंट्यूशन का होगा क्रोचे, और सी का 1st, फार्मलिज्म का होगा क्लाइवेल और रोजर फ्राई, और इंस्टीट्यूशनलिज्म का होगा 2nd, जॉर्ज डिकी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित टैगलाइनों के आरंभ होने के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1st होगा, पहले मारुति सुजुकी कितना देती है, इसका होता है। सी आएगा एयरटेल, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। फिर आएगा डी अमेज़न, बरकरार रखो चुनने में मज़ा। और उसके बाद बी होता है व्हिस्पर, टच द पिकल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तैल चित्रकला के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जॉन वान आइक को। क्वेश्चन नंबर 24, इस क्वेश्चन को एनटीए ने गलत माना है, इसलिए ऑप्शन गलत मान दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, इसमें है, सूची 1st को सूची 2nd से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें 4 समूह दिए हुए हैं, जिसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, और 4 के अनुसार जो शिल्पी चक्र प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई? 1947 में। समूह 8 की स्थापना 1968 में। बीबी भास्करन राष्ट्रीय पुरस्कार 1983। ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र चेन्नई की स्थापना 1978 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, कौन भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड से संबंधित है? सुखविंदर सिंह, ऑप्शन नंबर 1st। अगला है, खरबूजिया गुंबद का उदाहरण जामा मस्जिद आगरा। इससे अगला है, लियोनार्डो द विंची होना चाहिए, 20 लिखा हुआ है, ने चित्रकला की अपनी तकनीकी में रेखाओं को धुंधला किया था, मतलब धुंधली रेखाओं का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्थापत्य की शैली उत्कीर्ण गुफाएं निम्नलिखित हैं, तो कौन सी हैं? इसका ऑप्शन नंबर 4th सही है, सी ए बी और डी। तो पहले आएगा लोमस ऋषि गुफा, भाजा गुफा, और उसके बाद में एक बार देखते हैं, बी आएगा, बी होता है अजंता गुफा,
और लास्ट को आएगा कैलाश मंदिर का एलोरा। कैलाश मंदिर का एलोरा कहाँ पर है? एलोरा में है, जो 16 नंबर की गुफा में है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, किसी वस्तु की सनहत निर्धारित की जाती है, किससे की जाती है? इसमें विद्यमान द्रव की मात्रा से। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिरों का काल है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए बी और सी, मतलब पल्लव काल 600 से 900, चोल काल 900 से 1150, पांड्य काल 1150 से 1350। अगला क्वेश्चन है, इंचिंग के विपरीत क्रमानुसार अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। जो इंचिंग होता था उसके विपरीत, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, पहले ए आएगा प्रिंटिंग, उसके बाद बी वाइपिंग, फिर सी इंकिंग और लास्ट को एचिंग होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी मूर्तिकार है? तो इसको एनटीए ने गलत माना हुआ है, इसलिए इसका कोई उत्तर नहीं है। अगला है, मूल भारतीय वास्तुकला किससे संबंधित है? तो किससे है? शिल्प शास्त्र से। मूल भारतीय वास्तुकला किससे संबंधित है? शिल्प शास्त्र से। अगला क्वेश्चन है, ओ और पी जैसे लेटर फार्म के अंदर स्थित व्हाइट स्पेस को कहा जाता है? तो काउंटर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। फोर्थ में क्या आएगा? पहले ए का 4, विलियम टर्नर क्या होगा? द फाइटिंग टेमेरेर, और बी का 2, जॉन वर्मियर का क्या है? द मिल्क मेड, सी का 1, लियोनार्डो द विंची का क्या था? द मैडोना ऑफ द रॉक्स, और गुस्ताव कोर्बे का क्या था? एप्पल्स एंड पोमग्रेनेट्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में लिथोग्राफी मुद्रण की स्थापना करने वाले पहले कलाकार कौन थे? राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब अगला क्वेश्चन आएगा, एक्स वाइट सबकी माप है, एक्स वाइट सबकी माप है, तो लोअर केस लेटर, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, सोशल फंक्शंस ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? तो राधा कमल मुखर्जी। सोशल फंक्शन के लेखक कौन है? राधा कमल मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सच्चे अर्थ में पहली बार कला इतिहास लिखी? तो जॉर्जो वसारी ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, खराब तरीके से कैलिब्रेट किए गए मॉनिटर के सबसे समान परिणाम दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4, प्रिंट्स में खराब दिखाई देते हैं, जैसे हम कोई प्रिंट लेते हैं तो उसमें ही दिखाई देते हैं। होक्साई निपुण था, किसमें था? बुटकर प्रिंट्स में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 43, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। पहले का 2 होगा, हार्ट ज्यूसा का क्या है? कहाँ से है? दूसरे का 1, रैपर्स द वॉल्यूम्स जॉर्ज वंस ग्लू क्या होगा? पाषाण है। तीसरे का सी का 4 होगा, तो सी का 4 का मतलब होगा बैटल रैंक मार्शल ड्यूसा का क्या है? कंक्रीट। और चौथे का डॉन इनो हाउस ली कार्बुज़िएर का क्या है? 3 कंक्रीट। और इसका क्या है, सॉरी, बैटल रैंक मार्शल ड्यूसा का है लेडी मेड लॉ बिल्डिंग, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, माउलिन रोज के लिए लिथोग्राफिक पोस्टरों की डिजाइन किसने तैयार की? तो हेनरी द टुलूज लात्रे ने, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है, प्लेटो ने कलाओं की निंदा की क्योंकि इनने इसमें ये तत्व हैं, तो इसमें कौन से तत्व हैं? ऑप्शन नंबर 4 ए और डी सही है, अनुकृति और मनोभाव। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन, वायरल मार्केटिंग रणनीति प्रयोग करता है तो क्या करता है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए बी सी, मतलब सोशल नेटवर्किंग इंटरनेट उसी तरह से जैसे वायरस करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, शिव की परिग्रहण मूर्ति में हम विष्णु को देखते हैं, विष्णु की भूमिका क्या है? पार्वती को पिता, ऑप्शन नंबर 1 सही था।
अगला क्वेश्चन है 48, एलोरा के मूर्ति शिल्प हैं तो एलोरा की कौन से मूर्ति, तो गुफा नंबर 16 में जो कैलाश मंदिर मिलता है, अच्छा इसमें बहुत सारे हैं, तीन हैं ए बी और सी, तो देवी गंगा मंदिर गुफा नंबर 21, कैलाश नाथ मंदिर गुफा नंबर 16 और ध्वज स्तंभ मंदिर गुफा नंबर 16। अगला क्वेश्चन है 49, कृतलिद्धा मुद्रा का अभिप्राय है तो महिषासुर मर्दिनी से है। अगला क्वेश्चन है 50, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर, अच्छा हाँ एनटीए ने इस क्वेश्चन को भी गलत माना हुआ है इसलिए इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है 11.7 × 16.5 इंच के कागज का आकार क्या होता है, A3 साइज का होता है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है, सेकंड सही है, पहले का फोर्थ है, जहाज महल का है मांडू में, सौर मंदिर महाबलीपुरम, तेली का मंदिर ग्वालियर और शाह हमदान कहाँ है, श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 53, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए, इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, पहले का थर्ड हरेन दास कोलकाता से थे, बी का फोर्थ है मतलब सोमनाथ थोरी कहाँ से, शांति निकेतन, सी का फर्स्ट है दीपक बनर्जी वाराणसी से और रिनी धुमाल जो थे वो बड़ौदा से थे। अगला क्वेश्चन नंबर 54, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, वाई मैन क्रिएटस क्या है, मिल्टन्स ग्लेशियर और बी का थर्ड सही है मतलब गिव अर्थ ए चांस क्या है, साल बॉस। अगला है सी का फोर्थ फ्रॉम लेस कॉक्स टू बुकलिन, तो स्टीफन सैगमाइस्टर। अगला है डी का फर्स्ट सही है, स्टेट द दवाईलाइट रेलिंग क्या है, पॉल रैंड। अगला क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसके चित्रों के बारे में यह माना जाता है कि उस पर स्टेन ग्लास चित्रकला का प्रभाव है, तो जॉर्ज रुआ। अगला है भारतीय स्थापत्य कला के पहले सर्वतोभद्र मंदिर का नाम क्या है, तो देवगढ़ का दशावतार, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है समूह 8 के सदस्य कौन थे, तो अनुपम सूद। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कलाकारों का काल के अनुसार सम्मिलित कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, पहले सी आएगा राजा रवि वर्मा, उसके बाद बी अमृता शेरगिल, फिर ए भूपेन खक्कर, उसके बाद जितिस कल्लास, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 59, डोकरा विधि क्या है, तो ब्रांच कास्टिंग की विधि है डोकरा विधि, शत्रु मातृका किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, सॉरी 3, मातृ देविका से, देवियों से, मातृ देवियों से शत्रु मातृका का संबंध है। माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति है फ्लोरेंस में, कहाँ पर है माइकल एंजेलो, फ्लोरेंस में। क्वेश्चन नंबर 62, चित्रकला की कानो शैली संबंधित है, तो जापान से संबंधित है। 53, लेदर बेल्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्लेनोग्राफी मुद्रण में। अगला है 64, लघु चित्र में हंसिया का प्रयोग किया गया, तो मुगल काल में किया था, ऑप्शन नंबर 4, हंसिया में, सॉरी लघु चित्र में हंसिया का प्रयोग किया गया मुगल काल में। नीचे कुल कलाकारों के नाम दिए गए हैं, तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर 1 आएगा, पहले तो बी होगा जियोत्तो, उसके बाद लारेंजो घिबर्टी, उसके बाद में डोनाटेलो, उसके बाद माइकल एंजेलो। अगला क्वेश्चन नंबर 66, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रानी की बाव कहाँ स्थित है, पटना में। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ऑफ अप्लाइड एंड डेकोरेटिव आर्ट एंड डिजाइन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, दी विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन। क्वेश्चन नंबर 68, सम्मिलित कीजिए, मतलब सम्मिलित है फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सेकंड सही है। तो पहले का फोर्थ MF हुसैन क्या था, लोक कला तकनीकी
नौ। लोक कला तकनीकी, उसके बाद आता है अवनींद्रनाथ टैगोर वास्तु तकनीकी। गगनेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो क्यूबिस्टिक थे और सुबोध गुप्ता क्या थे, कंसेप्चुअल आर्ट तकनीकी। इसके अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ दार्शनिकों के नाम दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट से पहले सी आएगा, वामगार्टन, उसके बाद हीगेल, उसके बाद में क्रोचे और लास्ट को सुमन लैंगर होना चाहिए, सुसान लिखा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्नलिखित डिजाइनरों में से किसने ग्राफिक डिजाइन शब्द को गढ़ा है, तो विलियम एडिशन डिगिंस ने, ऑप्शन नंबर फोर सही है। अगला क्वेश्चन है 71, भरहुस शुंग मूर्तियां किस प्रकार के पत्थर से बनी हैं, तो लाल बलुआ पत्थर से, ऑप्शन नंबर 72। शिव में नृत्य में शिव का प्रतीकात्मक प्रस्तुति है, तो इसमें क्या है, ए सृजन का, बी विनाश का, शिमला कॉस्मिक नृत्य का, तीनों हैं, ऑप्शन है 73। संयोजन किसकी व्यवस्था है कलाकृति के अंदर तथ्यों की, संयोजन किसकी व्यवस्था है कलाकृति के अंदर तथ्यों की। इससे अगला क्वेश्चन है 74, भारत में सेरीग्राफी छापाकार का कार्य करते हैं, तो कौन करता है, ए बी और डी, मतलब मोती झरोटिया, ज्योति भट्ट और परमजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, मैरिज फोटो किसका प्रिंट है, आर बी भास्करन का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 76 का है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन है, इमैनुअल कांट। अगला है 77, हरगान की कृति नाइट शाइनिंग व्हाइट तो तांग राजवंश के समय की थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकेंड से सुमिलित कीजिए, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही है। ए का फोर्थ है, द एक्सटेंस ऑफ टेंस टेरेसा क्या था 1645 से 48। बी का था द पोर्ट्रेट बक्स ऑफ लुइस, ये थी 1665। कैप्चर ऑफ द जोरिक मोजैक क्या था, फर्स्ट था मतलब पाँचवीं सदी का। स्टोरी ऑफ जॉन फ्लोर मोजैक फ्रॉम बेसिलिका क्या था, चौथी सदी का था। अगला है, लिनो एचिंग माध्यम में व्यवहार किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर फोर सही है, ए सी और डी, मतलब लिनो ब्लॉक टूल्स और कास्टिक सोडा इनका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमिलित कीजिए, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए का सेकंड है, मतलब संथाल फैमिली ऑफ रामकिंग करबज कहाँ है, तो शांतिनिकेतन में। बी मतलब गोल्डन हेड ऑफ बुल फ्रॉम उर कहाँ है, इराकी संग्रहालय बगदाद। और उसके बाद में आता है सी का फोर्थ, सी का क्या, मेडुसा एंड हर्सन क्रिसार कहाँ है, कोर्फू संग्रहालय ग्रीस। और लास्ट का है डी का, द लियोकून ग्रुप क्या है, इसका है वेटिकन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वेटिकन लिखा हुआ है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 81, यहाँ पर है फर्स्ट को सेकेंड से सुमेलित कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए का फोर है, ऑयल कलर किसका है, लिनसीड ऑयल। बी का सेकंड मतलब ड्राई पेस्टल किसका है, फिक्सर का। सी का वन म्यूरल गम और बी है, और ड्राइंग्स फिर क्या आ जाएगा, चारकोल। अगला क्वेश्चन है, कागज के जी एम एस एम का अर्थ है कागज की मोटाई, कागज जो के जी एम एस एम का अर्थ क्या होता है, कागज की मोटाई, ऑप्शन नंबर टू। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेय का वाहन क्या था, तो कार्तिकेय का वाहन मोर था। अगला क्वेश्चन है, मथुरा शैली की कुषाण मूर्तियां निम्नलिखित पर केंद्रित हैं, तो किस पर केंद्रित थी, ए और डी पर, मतलब देशज शैली और उसके बाद में सेंचुअल बॉडी फॉर्म्स। मथुरा कला में ही गंधार कला का विकास हुआ है, बहुत सारी मूर्तियाँ वहाँ पर वहाँ के संग्रहालय में संग्रहित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऑस्कर जीतने वाली एनिमेटेड फीचर फिल्मों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, पहले तो बी आएगा।
फ्रोजन, उसके बाद में डी आएगा इनसाइड आउट, उसके बाद ए आएगा यूटोपिया, उसके बाद में सी आएगा कोको। अगला है मरकुट्टिम कला का संबंध है तो बाइजेंटाइन से संबंध है। इससे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित एनिमेशन फिल्म स्टूडियो को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। पहले ए आएगा फिक्सर, फिर बी आएगा डिज्नी, फिर डी आएगा ड्रीम्स वर्ल्ड, फिर सी आएगा स्टूडियो सिडनी। अगला है 88 सूची फर्स्ट को सेकंड से करिए। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए का फोर्थ ऑफ वॉल्स क्या है, फोटो एचिंग और द ग्रेट ट्रिफल फॉर मतलब ड्यूरर का है। उसके बाद सी का फर्स्ट है डार्लिंग गेट मी ए बेबी मेड, तो क्या है अनुपम सूद की यात्रा, यात्रा का मोती झरोटिया, मोती झरोटिया। अगला है 89 किसने यह प्रमाणित किया कि कला संप्रेषण है, लियो टॉलस्टॉय ने। अगला है सही कालक्रम चुनिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, कांस्य युग, ग्रीक कला, बाइजेंटाइन कला, अव्यक्तिवाद। ऑप्शन नंबर 91 हम जब पिगमेंट या पेंट का प्रयोग कर रंग मिलाते हैं तो इसकी पद्धति क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट सही है इसका, ए सब्ट्रैक्टिव कलर मेथड, सी होगा उसके बाद में श्वेत से शुरू होता है और काला से समाप्त होता है, और डी है CMYK कलर पद्धति पर आधारित। अगला है 92 स्पेक्ट्रम कलर पद्धति में तो क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। पहले ए पर्पल या वायलेट का तरंग दैर्ध्य सबसे लघु होता है, उसके बाद बी आएगा लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे दीर्घ होता है, फिर सी आएगा सहजता से दृश्य रंग समाप्त। अगला है क्वेश्चन नंबर 93 सूची नंबर फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करिए। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए का फोर्थ द वर्जिन ऑफ रॉक्स लियोनार्डो द विंची का था, बी का थर्ड द ट्रिब्यूट मनी क्या था, मसासियो का था, उसके बाद सी का सेकंड द नाइट वॉच किसका, रेम्बरा का है, द पोटैटो ईटर्स किसका था, वैन गॉग का। अब आएगा 94 मध्य एशिया में रेशम मार्ग की उत्तरी शाखा निम्नलिखित में से किन महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्रों से चिन्हित है, तो इसमें जो है सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। पहले तो ए आएगा किजिल, फिर सी आएगा दुनहुआंग, फिर डी आएगा कुचा। अगला है जानवान आइक का सबसे प्रसिद्ध चित्र द आर्नोल्ड फिन पोर्ट्रेट किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। पहले बी पर्णय शपथ को निरूपित करता है, सी है हुबर्ट वान आइक वाज हियर इन 1934 हस्ताक्षर, उसके बाद डी है अर्ली रिनेशा की दुर्लभ पूर्ण आकार छवि। अब आता है 96 एक चित्र दिया हुआ है, इसको देखते हुए इसमें दिया हुआ है कि चित्र में प्रस्तुत भित्ति चित्रों संयोजन के मध्य में एक पुरुष देवता को दर्शाया गया, उसका क्या नाम है, तो इंद्र था, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इधर भी एक चित्र दिया हुआ है जिसमें था चित्र में प्रस्तुत भित्ति चित्र में अनोखा प्राणी दर्शाया गया है जो पक्षी और मानव का संयुक्त रूप है, उसे किस नाम से जाना जाता है, किन्नर। अगला क्वेश्चन है 98 यहाँ भी एक चित्र दिया हुआ है जो है चित्र में प्रस्तुत अजंता के भित्ति चित्र किस काल के हैं, तो 5वीं शताब्दी के। 99 पर भी एक चित्र दिया हुआ है जिसको देखकर आपको बताना है कि चित्र कहाँ का है, तो चित्र में प्रस्तुत भित्ति चित्र किस गुफा संख्या में है, ये गुफा संख्या नंबर 17 में। और लास्ट क्वेश्चन है वहाँ भी एक चित्र दिया हुआ है, इसको देख करके आपको बताना है कि चित्र कहाँ का है, तो किस चित्र में प्रस्तुत अजंता की भित्ति चित्र की विषय वस्तु क्या है, ये बौद्ध है। प्यारे दोस्तों 1 से लेकर 100 तक NTA 2019 जून में जो पेपर हुआ था उसको आंसर सहित मैंने अपलोड कर रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।